नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। हम लोग पहले पॉडकास्ट नहीं कर पाए, लेकिन अभी जा रहे हैं स्टेशन पे साथ में, तो कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। तो जितेंद्र भाई, आईटी गुवाहाटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस देखिए, कैंपस के हिसाब से बोला जाए तो काफ़ी सुंदर कैंपस, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कैंपस होगा कहीं किसी और आईआईटी का। सुंदरता है काफ़ी, नेचर फुल है, लेक्स है, अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं, ये आपको और देखने में मिलेंगे। फल हैं, फल लगते हैं, लीची का पेड़ है, बेर का पेड़ है, आम का पेड़ है, और पढ़ाई के मामले में भी काफ़ी अच्छा, और प्लेसमेंट भी अच्छी लगे बच्चों की, तो ओवरऑल गुड। हाँ, सब कुछ गुड है। बहुत सारे पॉडकास्ट में आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन जितेंद्र भाई से हम ये जानना चाहेंगे, आपकी इतनी अच्छी CPI जो मेंटेन रही पूरा 4 साल तक, उसका राज बताइए। CPI मतलब मैं तो लास्ट एग्जाम लास्ट दिन पढ़ता था, लेकिन आपकी CPI कितनी है? मेरी अभी CPI 8.9 है। तो भाई की CPI अभी 8.9 है, अभी लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो और भी हो सकता है, और ज़्यादा होगा, देखा नहीं होगा। तो भाई की CPI 9 मान लीजिए आप, और नहीं मैकेनिकल कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैकेनिकल के कोर्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ग्रेडिंग भी अच्छी होती है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। हाँ, ग्रेडिंग भी अच्छी होती, पढ़ाई भी अच्छी होती, लेकिन कितना क्लास अटेंड करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं अटेंड करते। मैं भी उनमें से हूँ जो क्लास नहीं अटेंड करता हूँ। अच्छा, लेकिन मतलब क्लास अटेंड करोगे तो रेगुलर फ्लो में चलोगे, लास्ट दिन बर्डन नहीं रहेगा, और क्लास नहीं अटेंड करोगे तो लास्ट दिन पढ़ना पड़ता है, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाता है मतलब, लेकिन एकदम कंटिन्यू पढ़ोगे तो बर्डन नहीं रहेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। लास्ट दिन काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, अब बच्चे छोड़ के जाने लगते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स, वो सब नहीं होगा। और एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में आपने क्या क्या किया और क्या अदर चीज़ें सीखी यहाँ से? एक्स्ट्रा करिकुलर में मैंने सेकेंड ईयर में क्लब ज्वाइन किया था SW से, वेबसाइट्स और एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन बनाता था। अभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट वेल परफॉर्मिंग ऐप है SWC, काफ़ी सारे वेबसाइट, काफ़ी सारे ऐप्स IIT गुवाहाटी के लिए वो डेवलप करता है जी, उसी के पार्ट हैं जितेंद्र जी, और ये अपना काम बहुत मन से लगन से करते हैं। उसमें वेबसाइट अगर ये बना रहे हैं ना, उसमें पूरा परफेक्शन के साथ ये पूरा उसमें काम करते हैं, और स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है IIT, सारे स्पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं, बैडमिंटन और वॉलीबॉल रेगुलरली खेला करते हैं, और एथलेटिक ग्राउंड है वो काफ़ी है, 400 मीटर का इनर सर्कल है, 450 का आउटर सर्कल है, तो काफ़ी अच्छा है स्पोर्ट्स के वाइज में। और क्या टैलेंट्स आपने डेवलप किए, कुछ ऐसे टैलेंट्स? तो एक तो वेब डेवलपमेंट ही है, मुझे पहले नहीं आता, और बाकी टैलेंट्स के हिसाब से बोला जाए ऐसे मतलब कुछ खास टैलेंट तो, लेकिन वेब डेवलपमेंट ही बोलना चाहता हूँ तो मैंने डेवलप किया। कुछ सोशल स्किल्स जिसमें आपने कुछ पढ़ा? सोशल स्किल्स, हाँ मतलब फ्रेंड्स नए नए बनाने का, पहले कम बनाता था अब ज़्यादा बनते हैं, और थोड़ा सोशलाइज होने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ लोगों से, जैसे विकेश भाई है, विकेश से पॉडकास्ट मार रहा हूँ, पहले किसी पॉडकास्ट में नहीं है, ये कॉन्फिडेंस आ गया विकेश के साथ देख। कॉलेज से जाना तो आप कैसे इस अनुभव को कैसे व्यक्त करेंगे? कॉलेज से जाएंगे तो लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, लंबी छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, 5 दिन घर जाओगे वापस आ जाओगे, अभी था कि 2 महीने घर में ही रह रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर बीच में चले जा रहे हैं, कभी क्लास बंक कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये सरायघाट ब्रिज से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, जो कि काफ़ी प्रचलित है, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा इस ब्रिज का है, और बताइए।
उत्तराखंड, वाओ मैं ऋषिकेश आ रहा हूँ आपके पास थोड़े दिन में घूमने। ठीक है, मिलेंगे हम जरूर। अच्छा आपका बचपन कैसा गुजरा, बचपन में दोस्तों के साथ क्या विलेज में रहते थे आप या सिटी में? मैं अपनी यूकेजी से विलेज में रहता था फर्स्ट क्लास से, मैं क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में तो मैं आ गया था उनके साथ बाहर फर्स्ट क्लास से। मैं फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया, मतलब रेगुलरली, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब था तो केंद्रीय विद्यालय बेस्ट ऑप्शन था। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय से आप पढ़े हैं अलग अलग लोकेशंस पर? मैं यूपी, पंजाब, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार। ओ यूपी, पंजाब, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार, सब जगह भाई पढ़ चुके हैं तो काफी। हाँ ये इस बार में मैं काफी पापा की जॉब को धन्यवाद देना चाहूंगा, अलग अलग प्रांत के लोगों से मिलने का मौका मिला। क्या बात, और कल्चर भी देखा। हाँ जाहिर है शहर वाली लाइफ हो जाएगी, बस गांव वाली लाइफ बढ़िया होती है।